इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस कन्वर्जन ऑफ एन एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंगल एंड कन्वर्जन वी हैव आल्सो स्टडीड कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट हाउ रेडियन विल कन्वर्ट इनटू डिग्री. उससे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस जानना चाह रहे हैं उनके बारे में आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ. तो प्रॉपरली ध्यान दें आप कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है 1 degree = 60 dash और 1 dash = लिखा हुआ है 60 double dash. और इसको अपने मीनिंग में हम कह सकते हैं 1 hour. क्या कह सकते हैं इसी को ही? इसको कह सकते हैं 1 hour = 60 minutes और 1 minute = 60 seconds. स्टूडेंट्स, आज हम किसी रेडियन के एंगल को डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करें उसके प्रोसीजर को आपको समझना है. तो जो हमारा चैप्टर में कंटेंट है कि डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन, तो हमने लास्ट क्लास में ये तो पढ़ लिया कि व्हेनेवर द क्वेश्चन इज इन डिग्री देन हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इन द रेडियन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस दैट इफ द एंगल इज इन रेडियन देन हाउ इट विल बी कन्वर्ट इन द डिग्री. द एग्जांपल वी आर टेकिंग हियर, सपोज क्वेश्चन इज कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री. तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? 6 into 1 radian, राइट? और 1 radian का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था 180/π, राइट है? इसको यहां आप सब्स्टिट्यूट करेंगे और पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7, राइट? कि यहाँ प्लेस करेंगे क्वेश्चन में 6 into 180 into 7 divided by 22 degree. अब सिंप्लीफाइड कर लें, 2 11 जा 2 3 जा, अब प्रोडक्ट कर लें, 540 into 7 degree divided by 11, अब मल्टीप्लाई कर लें, 7 0 जा 7 4 जा 7 5 जा और ओवर 11 degree. एग्जैक्टली यू आर गेटिंग दिस फिगर 3 4 8 3 7 8 0 divided by 11. नाउ डिवाइड इट इन ए प्रॉपर फॉर्म, रेस्ट विल बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्यू सेंट ओवर डिविडेंड, राइट? क्वेश्चन नंबर डिवीजन, तो डिवीजन करो आप इसमें, कंप्लीट डिवीजन, 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना? 448, 11 4 जा 44, कितना रिमाइंडर? 440, 11 3 जा 33, बचा कितना? 7 degree over 11. दिस इज द राउंड डिवीजन ऑफ दिस. नाउ इट विल रिटर्न, नाउ अगेन 3 4 3 7 over 11 degree return 3 4 3 degree plus 7 into 1 degree over 11, right? अब क्या करना है आपको? 1 degree का फॉर्मूला आपने लिखा 60 dash, इसमें प्लेस करना है और अपना फॉर्मेटअप क्या हो जाएगा? 3 43 degree plus 7 into 60 dash over 11. फिर प्रोडक्ट करेंगे और 11 का डिवीजन करेंगे, अगले स्टेप में क्या आ जाएगा? 3 43 degree plus 4 20 dash over 11. फिर डिवीजन करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 3 43 degree plus 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना? 9 0 90 11 8 जा 88, बचा कितना? 2 over 11
are getting like this. Now it will return again. कैसे लिखोगे? 343 degree 38 dash plus 2 dash over 11. Now again it should be returned. कैसे लिखेंगे? 343 degree plus 38 dash plus 2 into 1 dash over 11. Exactly is it clear? Now formula 1 dash equals 60 double dash. यहाँ substitute करेंगे और मैं इसको sort out यहाँ कर रहा हूँ. अब यहाँ देखें 343 degree 38 dash plus 2 into 60 double dash over 11. इसका product कर दें 343 degree 38 dash 120 double dash over 11. अब 11 का अगर आप 11 time value लेते हैं that will be 121. So ये अप्रोक्स डिवीजन हो जाएगा अप टू द 11 टाइम. और इस आंसर को हम कैसे लिख देंगे? अप्रोक्स इट मींस 6 रेडियन इन डिग्री के स्मॉलेस्ट पार्ट में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इस तरीके से लिखा जाएगा 343 डिग्री 38 डैश 11 डबल डैश. स्टूडेंट्स आप अपनी एक्सरसाइज 3.1 के जो कुछ एंगलों का कन्वर्जन है वो आपको इसी तरीके से करना है. जब आपको कहा जाए द गिवन क्वेश्चन इज इन रेडियन लाइक दैट कन्वर्ट इट इज इन रेडियन कन्वर्ट इट इज इन डिग्री देन द प्रोसेस यू शुड फॉलो इन योर एग्जामिनेशन दैट इज शुड बी वेरी इफेक्टिव. Fact, this question is clear in your mind. Exactly. Now on what we are taking another example minus 4. एक example और ले लेते हैं. Whenever the angle is in minus, तो आपको क्या करना है? Minus 4 radian. इस माइनस को आप आउटसाइड ही रख दें. यूज ब्रैकेट राइट 4 इनटू 1 रेडियन एग्जैक्टली माइनस. या एक काम कर सकते हैं इस माइनस को लास्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. यू कैन अप्लाई दिस माइनस एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन और द सॉल्यूशन. 4 रेडियन की जगह क्या लिखोगे? 180 और पाई डिग्री. पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7 राइट है. सॉल्व करोगे कुछ कैंसिल होता है कैंसिल कर लो बाकी रेस्ट चीजें राइट सेम. मल्टीप्लाई कर लो 360/7 डिग्री डिवाइडेड बाय 11 माइनस प्रोडक्ट कर लो 0 42, 21, 25 degree over 11. Now again division. 11 2 ja 22, 32. 11 2 ja 22. Remainder 10, 100. 11 9 ja 99. 1 upon 11 degree. Now it will return again. प्रॉपर लिख दे डिग्री यहाँ लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. 229 प्लस क्या लिखोगे? 1 डिग्री को क्या लिखोगे? 60 डैश ओवर 11 फिर डिवीजन करोगे माइनस 229 डिग्री प्लस 11/5 जा 55. एक बार आप इसको चेक कर ले 11 2 जा 22 32 22 10 100 99 1 upon 11 right है. 5 dash remainder कितना बच गया? 5 over 11 ठीक है. आप dash को double dash में convert करेंगे जो improper है
जो प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई वहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री डैश प्लस, वो फ्रैक्शन पार्ट में आप क्या करेंगे वन डैश लिखेंगे और वन डैश को डबल डैश में कन्वर्ट कर देंगे, क्या लिखा जाएगा माइनस 229 डिग्री 5 डैश इंटू 5 60 डबल डैश ओवर 11 300 हो गया, डिवीजन कर देंगे और आंसर यहाँ लिखेंगे माइनस 229 डिग्री 5 डैश, ये हो गया 300 11 का डिवीजन करोगे तो 11 2 जा 22 बचा कितना 80 11 7 जा 77 डबल डैश, और अब इसको फाइनली कंक्लूड करोगे माइनस 229 डिग्री 5 डैश 27 डबल डैश एप्रोक्स, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स ये एंगल कन्वर्जन का जो प्रोसीजर है शायद अब आपको आ गया होगा। अब आपको इस कन्वर्जन में जब क्वेश्चन आपको रेडियन में दिया जाएगा तो उसको डिग्री में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। अब आज आपको एक एंगल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो कि हमें काम में लेना है वो भी आप समझ लें, और फिर आप 3.1 एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3.2 भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब कहते हैं कि एंगल थीटा दैट इज इक्वल राइट लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ ए सर्किल। अब इसको यहां समझ ले आप प्रॉपरली, सपोज हमने ये आर्क ली, दिस इज द इसका नाम आपने दे दिया ए बी, आर्क क्या है ए बी राइट, इसको बोलेंगे लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी राइट। अब इस आर्क के आर्क ने क्या किया सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, इट मींस आर्क के दोनों एंड से हम सेंटर ऑफ ए सर्किल को जॉइन करा देंगे, ए से ऑलरेडी जॉइंट है और बी से हमने जॉइन करा दिया, तो इस आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया लेट दैट इज थीटा, वो कितना है थीटा है, तो थीटा को कैलकुलेट कैसे करेंगे by the formula length of an arc divided by radius of circle, इससे आप किसी भी एंगल को रेडियन में कैलकुलेट कर लोगे, that is the way। इस फॉर्मूले के डिस्क्रिप्शन में हमें how many things is to be required to describe this formula, we require 3 things, whether the angle is to be calculated and out of these two dimensions if anyone is given then we are able to solve like that right, तीन चीजें फॉर्मूले में चाहिए, out of three two will given in question and one we have to find out right, then solve the angle formed by an arc to the center of a circle at the center, तो ये एंगल निकालने का प्रोसीजर है। सपोज अपने पास एक क्वेश्चन आता है, ये कह रहा है सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है जिसका डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर गिवन राइट, एंड लेंथ ऑफ ए बोर्ड इज 30 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बोर्ड इज 20 सेंटीमीटर मीटर, अनदर थिंग फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कोर, आपको माइनर आर्क ऑफ द कोर निकालनी है राइट, तो सर्किल का व्यास बना हुआ है कह रहा डायमीटर कितना है 40, रेडियस कितनी हो गई
20 एग्जैक्टली क्लियर। पूछा गया आपसे, देखो ये बोल रहा है लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर। अब इसने कहा कि लेंथ ऑफ ए कोर इज 20 राइट, तो हम बात करें कि कोर की लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो क्या अगर कोर को हम डिस्क्राइब करें कोर क्या होती है। अगर हम सबसे पहले कोर की बात करें, कोर कहा जाता है कि लाइन सेगमेंट विच जॉइन द बोथ एंड, यस बोथ एंड ऑफ ए लाइन सेगमेंट दैट मीट्स टू द सर्किल राइट। तो हमने कोर बनाई और उसके दोनों एंड हमने सर्किल पे जॉइन करा दिया। सपोज दिस इज द कोर, ये कोर बना, इस कोर की लेंथ भी कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर गिवन इन क्वेश्चन राइट। और अगर इसको मैं यहां से जॉइन करा दूं तो दिस इज आल्सो रेडियस जैसे कितनी जाएगी 20 डिग्री 20 सेंटीमीटर राइट है। अगर अब अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो दिस ट्रायंगल व्हेन एवर ऑल लेटरल्स ऑफ ए ट्रायंगल ओएबी that are same 20 20 20, it means this triangle is known as equilateral triangle. उधर ट्राइंगल है equilateral, और equilateral triangle में center पे बना हुआ angle कितने degree का, सब जगह बना हुआ angle कितने degree का 60 degree का। तो हमारे पास क्या क्या आ गया 60 degree, ये वाली arc जो कि minor arc की length है, इस कोड की माइनर आर्क ये वाली है और इस कोड की मेजर आर्क ये वाली है राइट। तो हमें निकालनी है लेंथ ऑफ ए बी, निकालनी है इस माइनर आर्क। तो कैसे निकलेगी, इस माइनर आर्क का सबटेंडेड एंगल कितना डिग्री है 60 डिग्री, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी है 20, फॉर्मूला ये रहा लेंथ ऑफ एन आर्क इक्वल एंगल इनटू रेडियस ऑफ ए सर्किल, एंगल कितना 60 डिग्री, रेडियस कितनी 20 सेंटीमीटर राइट। एंगल को हमेशा रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है तो क्या लिखोगे 1 डिग्री की जगह, फॉर्मूला 180 डिग्री इक्वल पाई, तो 1 डिग्री की जगह लिखोगे पाई अपॉन 180 इनटू 20, कितना आ जाएगा आंसर, दिस कट विद दिस इमेज 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ दिस कोर। अंडरस्टूड ऑल, सो नाउ कैलकुलेट द 3.1 ऑन बिहाफ ऑफ द स्टडी व्हाट वी हैव इन आवर अर्लियर डेज डिस्कस एंड सम ऑफ द क्वेश्चन ऑफ 3.2 दैट यू आल्सो सो सॉल्व टुमारो। You just watch this video, thereafter I will post a new video for the questions. So every student, we watch these two videos and try to solve the question of 3.1, 3.2 and some of the extra questions that I will give. So calculate them, solve them. Understood again, hope this video should be appreciated, liked by you and again hope that you will like it, subscribe it and press the bell icon for getting the latest video. Thank you very much.